आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एंटमैन क्वांटुमेनिया या कहें एंटमैन 3 को। मूवी की शुरुआत पास्ट में होती है, जहां पर जेनेट फर्स्ट टाइम क्वांटम रियल में फंस गई थी और वो अपने सराउंडिंग की चीजें देखकर बहुत डर जाती है। तभी जेनेट पर कुछ क्रिएचर्स भी अटैक कर देते हैं। अब उनके अटैक से वो खुद को बचाने की वो कोशिश कर रही होती है, तभी जेनेट को वहां पर एक और शख्स दिखता है। वो जेनेट से पूछता है कि हम लोग कहां पर है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर होता है। अब असल में कैंग कौन है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तो अब यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे की तरफ, जहाँ हमें दिखाया जाता है स्कॉटलैंड को, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है और लोग उसको बहुत ही ज्यादा प्यार और पसंद भी करने लगे हैं। और साथ ही होप भी अपने फादर की कंपनी खुद संभालती है और वो पिन पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया की मदद करने के लिए करती है। उन सब की जिंदगी बिना किसी परेशानी के मजे से कट रही होती है। यहाँ तक कि स्कॉट ने तो अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक भी पब्लिश की होती है और वो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक अच्छा पिता बने। लेकिन तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वो बेघर हुए लोगों के स्पोर्ट में प्रोटेस्ट करने वालों में शामिल थी और पुलिस को काम करने में वो डिस्टर्ब भी कर रही थी, जिसकी वजह से स्कॉट और होप पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसको रिहा करके घर लेकर आ रहे होते हैं। कार में स्कॉट उसको समझाता है कि देखो बेटा, हीरो बनने के चक्कर में तुम किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। जिस पर उसकी बेटी कैसी कहती है कि पापा मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मेरे पास तो एक सूट भी है, तो मैं अपने सेफ्टी का ध्यान खुद रख सकती हूँ। यहाँ पर स्कॉट को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि कैसी के पास भी उसका एक पर्सनल सूट है, जिसे होप ने उसे दिया है। अब आगे हम उन तीनों को हैंक और जेनेट के साथ लंच करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो सब अब एक साथ ही रहते हैं। वहाँ रहकर कैसी क्वांटम के बारे में और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करती है। हैंक स्कॉट को दिखाता है कि उसने चींटियों के ऊपर और भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिस वजह से अब एंट्स कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकती है। और अब कैसी भी सबको बताती है कि उसने एक डिवाइस बनाया है, जिससे वो क्वांटम रियल्म के बारे में और अच्छे से स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इस बात को सुनकर जेनेट के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जेनेट ने अपनी जिंदगी के 30 साल वहां बिताए थे और उसे पता है कि क्वांटम रियल्म कितना डेंजरस साबित हो सकता है। लेकिन कैसी उनसे कहती है कि क्वांटम रियल्म के बारे में जानने के लिए उनको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस डिवाइस की मदद से हम यहां बैठकर उस सब के बारे में जान सकते हैं जो वहां पर मौजूद है। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस डिवाइस के जरिए क्वांटम रियल्म में सिग्नल भेजा जाता है और फिर वहां की सारी चीजें ये डिवाइस दिखा देता है। अब सिग्नल का नाम सुनते ही जेनेट की रूह कांप जाती है और वो डिवाइस को तुरंत बंद कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली डिवाइस अपने आप शुरू हो जाता है और सबको अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि चींटियां भी उसके अंदर चली जाती है और स्कॉट और कैसी एक साथ गिर जाते हैं। और जब वो अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है और हम कहाँ पर आ गए हैं। दूसरी तरफ होप और हैंक अलग जगह पहुँच जाते हैं और वो मिलकर जेनेट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जेनेट आ जाती है और उन्हें खुद को छुपा कर रखने को कहती है। अब स्कॉट होप से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनमें कोई बात नहीं हो पाती। फिर वो कैसी को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि हम सुरक्षित हैं, तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर अटैक कर देता है। वो क्रिएचर उन्हें मारने वाला होता है कि तभी कुछ लोग आकर उस क्रिएचर को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। वो लोग और कोई नहीं बल्कि क्वांटम रियल्म में रहने वाले लोग हैं और वो स्कॉट और उसकी बेटी को अपने साथ पकड़ के लेके जाते हैं। फिर वो लोग स्कॉट को एक सिरप पिलाते हैं, जिसको पीने के बाद स्कॉट को उनकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आने लग जाती है। फिर स्कॉट उनको एक्सप्लेन करता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे और वो उन लोगों के लिए खतरा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर लीडर जेंटोरा आती है और कहती है कि ये लोग ऊपर से आए हैं और इनके पीछे पीछे वो कैंग भी आ गया होगा। ये कैंग और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर था, जिसे मूवी की शुरुआत में जेनेट मिली थी। और अब कैंग ने उनकी दुनिया को तबाह करके बिल्कुल बद से बदतर बना दिया है। लेकिन यहाँ पर स्कॉट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैंग है कौन। दूसरी तरफ जेनेट को कुछ लोग मिलते हैं जो जेनेट को पहले से जानते हैं। ये सब देखकर होप और हैंक पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि जेनेट को ये लोग पहले से कैसे जानते हैं। और फिर वहाँ के लोग जेनेट को एक पालतू क्रिएचर देते हैं, जिससे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह का सफर बिल्कुल आराम से तय कर सकते हैं। और फिर तीनों उस पर बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां जेनेट उनको भी वो ड्रिंक पिलाती है, जिसकी वजह से वो लोग भी वहां के लोगों की भाषा को अब समझने लगते हैं। जेनेट वहां अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर वहां से बाहर जाने के लिए मदद मांगती है। दरअसल इस आदमी का नाम ट्रायलर है और इसने कैंग के साथ लड़ाई में जेनेट की काफी मदद की होती है। लेकिन जेनेट के यहां से जाने के बाद उसने भी कैंग को ज्वाइन कर लिया था और अब ट्रायलर उनको पकड़ना चाहता है। फिर किसी तरह से वो तीनों बचकर उसी की शिप को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ जेंटोरा स्कॉट को बताती है कि कैसे कैंग ने उनके लोगों को मार दिया
और अपने दम पर ये खुद का साम्राज्य बना दिया है। और जो लोग कैंग से बच गए वो अब छिपके रहते हैं और कैंग को हराने की कोशिश करते रहते हैं। तभी कैंग को उनका ठिकाना पता चल जाता है और कैंग के सोल्जर्स उन लोगों पर खूब अटैक करते हैं। लेकिन जब सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तभी कैसी देखती है कि जेंटोरा को उन्होंने पकड़ लिया है, तो बिना एक पल गवाए वो जेंटोरा को बचाने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे हमारे सुपर हीरो एंटमैन भी चले जाते हैं। लेकिन तभी एक चेहरे से दिखने वाले बहुत बड़ी मशीन उन पर हमला कर देती है। वो स्कॉट को कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, और उस मशीन के अंदर मौजूद शख्स को देखकर स्कॉट बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो डेरन था जिसे उसने एंटमैन की फर्स्ट मूवी में मार दिया था। फिर वो दोनों को पकड़कर अपनी कस्टडी में ले लेता है और बताता है कि उस दिन वो मरा नहीं था बल्कि यहाँ आकर फंस गया था, और यहाँ कैंग ने उसको बचाया और उसको एक खतरनाक और जानलेवा मशीन बना दिया, और अब वो यहाँ पर मोडॉक के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ जेनेट हैंक और होप को सारी कहानी बताती है कि जब वो क्वांटम में फंस गई थी तब उसे यहाँ पर कैंग मिला था जो उसी की तरह वहाँ पर फंस गया था। उस समय कैंग ने उसे बताया था कि वो स्पेस ट्रेवलर है और उसका शिप खराब होने की वजह से वो यहाँ पर फंस गया है, और कैंग की उस शिप की खूबी ये थी कि वो उसके जरिए किसी भी टाइम जोन और यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। इसलिए जेनेट उसके साथ मिलकर उस शिप की एनर्जी को रिचार्ज करने की कोशिश में लग जाती है। उस समय जेनेट ने ये इसलिए किया था ताकि वो भी कैंग के साथ साथ वहाँ से वापस अपने घर जा सके, और फिर इस काम को करने में उनको कई साल लग जाते हैं। फिर काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने फाइनली उस एनर्जी को रिचार्ज कर लिया था। कैंग का ये शिप पूरी तरह से न्यूरोमाइंड से कनेक्टेड था, यानी कि इस शिप को सिर्फ कैंग का दिमाग कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जैसे ही जेनेट शिप को छूती है तो उसको विजन आते हैं जिसमें कैंग ने कई यूनिवर्स को तबाह कर दिया होता है। दरअसल कैंग क्वांटम में फंसा नहीं था बल्कि किसी ने उसको यहाँ पर फंसाया था ताकि वो बाहर न आ सके और किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय न कर सके। लेकिन जेनेट की मदद करने के बाद अब उसका शिप बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास उसका अपना सूट भी होता है। अब जेनेट को सब कुछ पता चलने के बावजूद भी कैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा और तुम्हारे प्लेनेट को भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। लेकिन जेनेट को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उस एनर्जी कोर को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन कैंग के पास अब उसका सूट आ गया था, इसकी वजह से जेनेट को बहुत मुश्किल होती है। तो जेनेट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो था एनर्जी कोर को अपने पार्टिकल से बहुत बड़ा करना, और फिर वो उसको बहुत बड़ा कर देती है। इसकी वजह से कैंग उसकी एनर्जी कोर तक पहुंच नहीं पाता और तभी से कैंग हमेशा के लिए इस क्वांटम में फंस जाता है। लेकिन अब क्योंकि उसको उसका सूट मिल चुका था, इसी वजह से उसने वहां पर अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया था, और जेनेट कई सालों तक छुपके उससे लड़ती रही। लेकिन बाद में हैंक ने उसको बचा लिया और उसको वापस घर ले आया। लेकिन सही सलामत घर आने के बावजूद भी जेनेट हमेशा यही सोचती थी कि उसकी गलती की वजह से कई क्वांटम रियल्म तबाह ना हो जाए। फिर होप उसे कहती है कि हम सब साथ मिलकर कैंग को कोर लेने से रोक देंगे, और फिर वो तीनों कोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कैंग स्कॉट की बेटी को मारने की धमकी देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एनर्जी कोर लेकर आओ तभी मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा। लेकिन जब स्कॉट कोर तक पहुंचता है तो उसे काफी अजीब सा महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से स्कॉट कंफ्यूज होकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके वेरिएंट कैसे बन रहे हैं। लेकिन फाइनली जब स्कॉट अपनी सोच पर काबू पा लेता है तभी उसके बाकी वेरिएंट उसकी मदद करते हैं और वो एकदम ऊपर आ जाता है। अब स्कॉट उस कोर तक पहुंचने वाला होता है तभी वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी होप उसको वहां पर बचाने आ जाती है और फिर पिंडिस की हेल्प से उस कोर को फिर से छोटा कर लेते हैं। तभी वहां पर हैंक भी आ जाता है और वो उस कोर को कैंग को देने से मना कर देता है। तभी वहां पर कैंग भी आ जाता है और उस कोर को छीनने लगता है। स्कॉट और होप उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता, और वो जेनेट को भी अपने साथ लेकर चला जाता है क्योंकि यहाँ पर हैंक मोडॉक से लड़ रहा होता है। कैंग जेनेट को बताता है कि जब उसने टाइमलाइन में देखा तो मल्टीवर्स खुद ब खुद खत्म हो रहा था, और इसके लिए खुद वहाँ के लोग जिम्मेदार थे और इसीलिए उसने उन पर कंट्रोल कर लिया, और जो भी यूनिवर्स खतरा साबित हुआ उसने उसे पहले ही खत्म कर दिया। यही नहीं, उसने और अपने सारे वेरिएंट्स को भी मार डाला, लेकिन इन सब में उसे करोड़ों जाने लेनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्कॉट और होप के पास हैंक आता है जिसके पास उसकी एंट्स होती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। हैंक बताता है कि इन एंट्स ने कई सालों को कुछ मिनट में ही बिता दिया है और ये अपने इंटेलिजेंस से और भी ज्यादा स्मार्ट हो गई है, और इन एंट्स ने ही मुझे ढूंढ निकाला। फिर जब कैसी को कैंग के सिपाही लेकर जा रहे होते हैं तो उन सबको मारकर वो जेंटोरा को छुड़ाने के लिए भाग जाती है। अब जेंटोरा उसे कहती है कि मुझे मेरे लोगों को ये संदेश देना है कि हम एक साथ हमला करें ताकि हम उस कैंग द कॉन्करर को हरा सके। तभी कैसी वहां के सिस्टम को कंट्रोल करके उन सबको एक मैसेज देती है।
और वो बताती है कि हम टावर के अंदर है और तुमको टावर के बाहर हमला करना है। अब इस मैसेज को स्कॉट भी सुन रहा होता है। फिर वो लोग टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब कैंग भी पूरे एम्पायर के साथ वहाँ से निकलने के लिए तैयार होता है और फिर कैंग एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा देता है और निकलने के ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी स्कॉट अपने बड़े साइज में आकर उसके पूरे एम्पायर पर हमला कर देता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। कैंग के सभी शिप उसको रोकने आ रहे होते हैं, लेकिन तभी बाकी सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मोडॉक कैसी को मारने ही वाला होता है, लेकिन कैसी अपना साइज बढ़ा करके मोडॉक को मार देती है। अब कैंग अपनी शिप को स्टॉट कर देता है, लेकिन तभी स्कॉट उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसकी प्रोटेक्शन कवर टूट जाती है। और अब फाइनली कैंग बाहर आ जाता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। कैंग अब काफी गुस्से में था और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि स्कॉट भी उसका हमला सह नहीं पा रहा होता है। अब कैंग स्कॉट को कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितने सारे यूनिवर्स को तबाह किया है और कितने सारे अवेंजर्स और एंटमैन को मार दिया है। तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी एंट्स हमला कर देती है और इनको हैंक ही लेकर आया था। उन एंट्स की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि कैंग उन्हें अकेले नहीं रोक पाता और इसलिए वो अपने आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी मोडॉक उस पर हमला कर देता है और वो लेयर टूट जाती है। हालांकि इसमें मोडॉक भी मारा जाता है। मोडॉक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है और वो अच्छा बनना चाहता है और एक एवेंजर की तरह मरना चाहता है। तभी जेनेट सबको बुलाकर वहाँ से जाने को कहती है और जेनेट एनर्जी कोर की मदद से एक पोर्टल भी खोल देती है। फिर सब उसमें घुसकर घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब बचते हैं सिर्फ स्कॉट और कैंग। यहाँ पर स्कॉट पिन पार्टिकल की मदद से उस एनर्जी कोर को फिर से बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से कैंग उसी पोर्टल में घुसकर बाहर जाने की कोशिश करता रहता है जिससे बाकी सब गए थे। लेकिन तभी होप उसके सामने आ जाती है और उसको धकेलकर एनर्जी शील्ड की तरफ फेंक देती है, जिसके फटने से कैंग की मौत हो जाती है। अब होप और स्कॉट दोनों ही वहां पर फंस जाते हैं और कैंग से निपटने के दौरान पोर्टल भी बंद हो चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सबको बचा लिया था और कैंग भी मारा गया था। लेकिन तभी कैसी अपने डिवाइस से पोर्टल खोल देती है और वो दोनों वापस आ जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।